The basis of similarities and difference between metallic and ionic crystal. The basis of similarities and difference between metallic and ionic crystal. Ionic solids are hard and brittle. So, the basis of similarities between metal and crystal is both is crystal types of held by electrostatic force of attraction. In case of metal, the electrostatic force is between ion and electron. In case of ionic crystal, the force is between charged ions and both have high melting point. द बेसिस ऑफ डिफरेंस इज इन मेटल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इन आयनिक क्रिस्टल आयन्स आर नॉट फ्री टू मूव सो दे आर नॉट गुड इन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हाउ एवर आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट मतलब के ये मेटल से आयन से मेटल एंड आयन में सिमिलरिटी के ऊपर है दोनों के पास ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अब मेटल के पास जो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो है आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच अब आयन के पास जो है वो है चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब डिफरेंस कहाँ पर है मेटल एंड आयन का डिफरेंस है मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव कर सकते हैं जिसके लिए मेटल का इलेक्ट्रिसिटी बहुत हाई है ये मेटल का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं पर आयन में ये फ्री आयन नहीं होता जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके सो आयन कॉन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर टू Ionic solids are hard and brittle explain this the constituent particles of ionic crystals are ions these ions are held together in three dimensional arrangement by electrostatic force of attraction the electrostatic force of attraction is very strong which charged ions are held in fixed position this is the reason why ionic crystals are hard and brittle matlab kya hua? ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयन क्रिस्टल्स वो कंस्टिट्यूट आयन के आयन क्रिस्टल में जो पार्टिकल्स होता है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वो बहुत स्ट्रोंग होता है उसमें बहुत स्ट्रोंगली वो हेल्ड करते हैं एक दूसरे को ये बहुत स्ट्रोंगली हेल्ड होने के कारण इसमें वो बहुत स्ट्रांग होता है उसके लिए इसके ये बहुत हार्ड होता है एंड ब्रिटल भी होता है सो दिस इज द रीजन मतलब के रीजन एग्जैक्ट रीजन क्या है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन ओके कैलकुलेट द एफिशंसी ऑफ पैकिंग इन केस ऑफ मेटल क्रिस्टल फॉर सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर फेस सेंटर एज्यूमिंग एटम्स आर टचिंग एच आर आर अब देखो हमको पूछा गया है कि एफिशिएंसी निकलने का पैकिंग एफिशिएंसी फर्स्ट क्या है फर्स्ट है सिंपल क्यूबिक लैटिस अब सिंपल क्यूबिक लैटिस का बात करें तो क्या है यह है सिंपल क्यूबिक लैटिस ठीक है ये एक ये so है एक सिंपल क्यूबिक लैटिस इसमें ये कॉर्नर में एटम्स है सो टोटल नंबर ऑफ एटम है टोटल एटम इज इक्वल टू एट अब ये एट कॉर्नर एटम, फिर एट कॉर्नर एटम के साथ शेयर हो रहा है मतलब ये एक कॉर्नर एटम का शेयर है कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर ऐटम इक्वल टू एट इंटू वन बाई एट मतलब कि वन अब कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर ऐटम है वन तो मतलब ये सिंपल क्यूबिक लैटिस पे सिंपल क्यूबिक लैटिस पे नंबर ऑफ एटम है वन अब देखो क्या है जब एक, एक एटम का रेडियस आर होगा एक एटम के लिए वॉल्यूम होगा फोर बाई थ्री पाई आर क्यू अब यहाँ पर क्या है ये आर है, है इसका रेडियस इसका साइड लेंथ है ए अब ये एजूम कर दिया गया है इस साइड लेंथ पे ऐसे एटम्स है मतलब ये जो ए है ए इज इक्वल टू है टू आर आर ये है ए आर आर टू आर मिल के ए ये है ए A. मतलब ए इज इक्वल टू टू आर अब टोटल ये क्रिस्टल का वॉल्यूम क्या होगा टोटल क्रिस्टल का वॉल्यूम होगा एक क्यूब अब एक क्यूब मतलब क्या है टू आर होल क्यूब

टू और क्यूब दैट इज इक्वल टू कितना होगा ये आएगा पाई बाई सिक्स मतलब के पॉइंट फाइव टू फोर मतलब सिंपल क्यूबिक लैटिस का पैकिंग फ्रैक्शन होगा पॉइंट फाइव टू फोर अब चलते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस की तरफ अब देखो बॉडी सेंटर के लिए क्या है फिर एक क्यूब है क्यूब के कॉर्नर्स पे एटम है ये रहा कॉर्नर्स पे एटम, और एक एटम रहेगा सेंटर पे, एक एटम है सेंटर पे, अब देखो कॉर्नर पे है सेंटर पे है अब सेंटर पे है मतलब हम डायगोनली ये ड्रा कर सकते हैं लाइन अब कॉर्नर फेस के लिए हम ये ड्रा कर सकते हैं अब ये साइड क्या है ये मतलब ये साइड क्या है ए ये साइड है ए मतलब के ए बी इज़ इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब रूट टू ए स्क्वायर अब ए इसको डी नाम दी ये ग्रीन लाइन वाला ए डी होगा ये ए बी स्क्वा प्लस बी डी स्क्वायर मतलब बी डी इक्वल टू ए है मतलब रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर ये ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर सो ये होगा रूट ओवर थ्री ए स्क्वायर अब इसके लिए क्या है रूट ओवर थ्री ए स्क्वायर इक्वल टू फोर आर होगा बॉडी सेंटर के लिए रूट ओवर थ्री ए रूट ओवर थ्री ए स्क्वायर इक्वल टू फोर आर रूट थ्री ए स्क्वायर इक्वल टू फोर आर मतलब रूट थ्री ए इक्वल टू फोर आर मतलब ए इज इक्वल टू फोर बाई रूट थ्री ए आर अब पैकिंग फ्रैक्शन निकलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन के लिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के टोटल नंबर ऑफ एटम जेड इक्वल टू है टू मतलब मिडिल में वन है वन कॉर्नर कंट्रीब्यूशन वन है मतलब टू है बॉडी सेंटर के लिए अब बॉडी सेंटर के लिए एटम का वॉल्यूम होगा टू इन टू फोर बाई थ्री पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई क्रिस्टल का वॉल्यूम कितना होगा क्रिस्टल का वॉल्यूम होगा ए क्यूब अब हमने देखा यहाँ पर क्या है रूट थ्री ए इक्वल टू फोर आर मतलब कि ए इक्वल टू आर फोर बाई रूट थ्री आर मतलब ये पुट कर लो टू इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू मतलब फोर बाई रूट थ्री आर होल क्यूब सो इसका रेशियो आएगा हमें पॉइंट सिक्स एट पॉइंट सिक्स एट जो बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस के पैकिंग फ्रैक्शन होगा पॉइंट सिक्स एट अब फेस सेंटर के तरफ बढ़ते हैं फेस सेंटर के लिए स्ट्रक्चर क्या है ये है इच फेस के मिडल में सिक्स के फेस के मिडल में सिक्स होगा मतलब इस ईच फेस के मिडल में एक है ईच कॉर्नर में है एटम्स अब देखो इसके लिए क्या है ये ये ठीक है अब इसके लिए हम इसको नेम देते हैं ए बी सी अब देखो ये एक एटम की के साथ अनादर एटम अटैच्ड है मतलब ये ए सी का लाइन इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर आर यहाँ पर आर आएगा यहाँ पर आर आएगा यहाँ पर टू आर आएगा मतलब टोटल है आर प्लस आर प्लस टू आर मतलब फोर आर आएगा अब ए सी इक्वल टू क्या है ए सी इक्वल टू रूट ओवर ए बी स्क्वायर प्लस सी बी सी स्क्वायर मतलब ये है ए मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर टू ए स्क्वायर है मतलब यहाँ पर फेस सेंटर के लिए फोर आर इक्वल टू रूट टू ए स्क्वायर फेस सेंटर के लिए फोर आर इक्वल टू रूट टू ए स्क्वायर और फेस सेंटर का टोटल नंबर ऑफ़ एटम मतलब जेड जेड कितना हुआ फेस सेंटर के लिए जेड मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम हुआ ईच फेस में सिक्स फेस है ईच फेस में वन एटम ईच फेस शेयर करता है और भी एक फेस के साथ मतलब वन बाई टू इन टू सिक्स फेस मतलब थ्री फोर फेस प्लस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कॉर्नर एटम इज़ वन मतलब टोटल है फोर जेड है फेस सेंटर के लिए फोर अब देखो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा पैकिंग फ्रैक्शन होगा टोटल नंबर टोटल एटम का जो वॉल्यूम है वो टोटल एटम का वॉल्यूम मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम फोर इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब अब ए क्यूब मतलब यहाँ पर ए कितना है यहाँ पर ए कितना है फोर बाई रूट टू आर फोर बाई रूट टू आर मतलब टू रूट टू आर होल क्यूब इसको करो तो आएगा पॉइंट सेवन फोर मतलब फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस का यह है पैकिंग फ्रैक्शन है पॉइंट सेवन फोर